How beautiful. अच्छा कौन कौन सी राइड्स हैं? ये मेरे जहेज में आया रॉटल देने से पहले बता दीजिएगा, ये तो नहीं उड़ के बंदा बाहर जा रही हूँ मैं इस बोट में। एक 1200 cc है, एक 1800 cc है। कौन सी करनी है? सही इंजन वाली पे बिठाना। अच्छा ज्यादा आ गए। Another day, another breakfast, alhamdulillah. It's going great. Not bad at all, I think. I'm already in love with this place. Subhanallah, there's so much beauty to explore. Whenever you plan to come, just come at least for 10 days. आप लोगों को याद होगा एपिसोड 8 में मैंने आप लोगों को अलतित फोर्ट दिखाया था, ये है वो अलतित फोर्ट और यहाँ से कैदियों को नीचे फेंका करते थे। ज़रा सोचिए उन कैदियों का क्या होता होगा जब वो इधर से नीचे गिरते होंगे। तो आज जो है बाय द वे मैं जा रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट जगह देखने के लिए जिसको मैं तस्वीरों में देखा करती थी और कहती थी कि क्या एक दिन मैं इस जगह पर जा सकूँगी, और वो जगह है आपकी, आप लोग समझ गए होंगे, अताबाद लेक। ये खूबसूरत लंबे लंबे टनल्स आते हैं बीच में जब आप अताबाद लेक जाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। मैं बार बार मीज़म को कह रही थी कि लाइट बंद करो और फिर खोलो, तो हम जो है गाने सुनते हुए नज़ारे जो है खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे मैंने इन्जॉय किए, और ख़ूबसूरत लंबी लंबी जो टनल्स हैं उनमें से होते हुए इस वक्त हम लोग अताबाद लेक जा रहे हैं, जिसको देखने की मेरी दिली ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मरने से पहले एक दफ़ा दिखा ज़रूर देना, क्योंकि हमेशा इंस्टाग्राम पर ही देखी है। बाय द वे अताबाद लेक जो है हुंजा से ऑलमोस्ट घंटा सवा घंटा की ड्राइव है, और ये देखें अताबाद लेक जो है वो नजर आनी शुरू हो गई है, और अब बस हम अताबाद लेक जो है पहुंच जाएंगे। ये आई थिंक लास्ट टनल है, इससे गुजर के हम अताबाद लेक पहुंच जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बिकॉज यू नो एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जीते जी तो आपको अच्छा लगता है। अब बीच में सड़क के ये देखें स्पॉट्स हैं, यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, खाने पीने की जगहें हैं, तो यहाँ से जो है आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अच्छा एक और टनल रह गया था, वैसे बाय द वे काफ़ी टनल्स आते हैं रास्ते में और बड़े बड़े टनल्स आते हैं, बड़ा मज़ा आता है इन टनल से होके गुजरने में। तो बस अब हम अताबाद लेक जो है पहुंच जाएंगे, और मौसम जो है दिन में ज़रा गर्मी होती है लेकिन जब आप लेक पे जाते हैं तो लेक पे आपको ठंड लगती है। तो जी हम पहुंच गए हैं अताबाद लेक, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और यहाँ पे बहुत सारी आपको शॉप्स नज़र आएंगी। आप नीचे की तरफ जाते हैं ज्वेलरी शॉप्स नज़र आएंगी आपको, और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स भी हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और आपको मैं बताती चलूँ कि ये सीज़न जो है नवंबर से पहले पहले तक का होता है, अक्टूबर तक का, नवंबर के एंड में ये सब कुछ बंद हो जाता है, दिसंबर जनवरी फिर फरवरी के मिड में जो है खुलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेक जो है वो फ्रीज हुई हुई होती है, तो सब लोग जो हैं अपने घरों को चले जाते हैं या हुंजा की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये ज्वेलरी शॉप थी, यहाँ से मैंने वापसी में काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदी, उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा यहाँ से। और ये हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, अभी तक तो सिर्फ पहाड़ियाँ चढ़ी थी, अब ज़रा नीचे उतरना पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा था।
तो जी ये नजर आएगी आपको अताबात लेक, जो एक मौजज़े से कम नहीं है और वाकई सही बात है, ये एक मिरेकल है अल्लाह की तरफ से। लेकिन कितनी खूबसूरत ये जगह है और कितना खूबसूरत ये पानी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है वाटर एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, वाटर स्पोर्ट्स आप जिसे कह सकते हैं, आप यहाँ पे जेट स्की कर सकते हैं, स्पीड बोट राइड्स ले सकते हैं। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। अच्छा, कौन कौन सी राइड्स हैं? सबसे अच्छी कौन सी है? ये जो बोट है इम्पोर्टेड, जिसकी 3000 है चार्जेस, ज्यादा स्पीड है, 7 मिनट्स के अंदर बस पूरी कवर हो जाएगी, रह तो नहीं जाएगा कुछ, देख लें। जबकि मोटर बोट आप 4 सीटर लेंगे 3000, उसकी भी चार्जेस है। हाँ, 5 मिनट्स की राइड है, 1 सेट में जाएगी, एक ही सेट पूरा कर। अच्छा नहीं, पूरा कवर करना है हमने, तो फिर ये वाली कर दें जो फास्ट है और जो पूरी लेक कवर करेगी। 23 नंबर। यहाँ के लोग इतने ईमानदार हैं कि जब मैं इस बोट की राइड पे गई तो उसकी स्पीड कम थी और आके मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने मुझसे पैसे ही नहीं चार्ज किए, बहस ही नहीं की। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार लोग हैं, इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। और ये हम जा रहे हैं स्पीड बोट की राइड लेने के लिए और एक्साइटमेंट तो चेक करें आप बाजी की, मैं कोई इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप देखें, ये मिड जून था और मौसम जो है लेक पे काफ़ी ठंडा ठंडा दार हुआ हुआ था। अदरवाइज दिन में इतनी धूप पड़ती है कि आपको गर्मी लगती है, तो अगर आप लेक साइड पर जा रहे हैं और जैसे ही शाम होती है तो उस वक्त आपको जो है जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ पहनने की। लेट मी शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अताबात लेक। ये जो अताबात लेक है, ये गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है, गोजल वहां लोकेटेड है। और आप लोगों को पता ही होगा कि इट वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 2010, 4th January था, जब एक बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म का लैंडस्लाइड हुआ था और ये लेक जो है उस लैंडस्लाइड के नतीजे में फॉर्म हो गई थी। अताबात लेक 250 फीट से लेके 350 फीट तक डीप है and it is one of the deepest lakes in Pakistan and the most beautiful. Honestly speaking, it is nothing less than a miracle. वाकई इस लेक को देख के अल्लाह की शान याद आ जाती है। अताबात लेक, ये मेरे जहेज में आया है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस जगह के हवाले से, ताकि जब आप लोग आएँ तो आपको पहले से पता हो। सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है हुंजा में, ये अताबात लेक ही है। आप जब यहाँ पर आते हैं, ये सुबह में खुली हुई होती है, बल्कि 24 घंटे ही खुली हुई होती है जब सीज़न होता है। मगरिब के वक्त ये जो बोट राइड्स होती हैं इनको बंद कर देते हैं, एट टाइम्स ये रात भर भी चल रही होती हैं जब मौसम अच्छा होता है, यानी कि जब समर्स होते हैं, स्प्रिंग होता है। नवंबर के बाद जो है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये लेक बंद होती है, क्योंकि ये लेक जो है फ्रीज़ हो जाती है। फरवरी में मौसम बेहतर होना शुरू हो जाता है और मिड में फैब के सब कुछ खुल जाता है। तो अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपने ऑटम एंजॉय करना है, तो आप अक्टूबर में आएँ या नवंबर के शुरू में आप आ जाएँ। दिसंबर में तो सब कुछ क्लोज हुआ हुआ होता है। और उसके अलावा ये है कि आप फैब के बाद एनी टाइम आ सकते हैं, जून जुलाई में भी आ सकते हैं। जून जुलाई में ये है कि रश ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल की जो हैं वो छुट्टियाँ हुई हुई होती हैं। खैर, फॉर मी जून वॉज एन आइडियल टाइम। दिन में मौसम थोड़ा गर्म होता था डायरेक्ट सनलाइट की वजह से, लेकिन शाम जो है वो बहुत प्लेजेंट होती थी, काफ़ी सर्दी लगती थी, तो मेरे लिए मौसम आइडियल था। तो ये देखें खूबसूरत नज़ारे, कितना खूबसूरत है ये एरिया और ये लेक। दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ से बंदा कहीं और जाए। और यहाँ पे होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं और इस व्यू के मज़े ले सकते हैं। ये मौसम आ गया है बोट चलाने के लिए और उसके बाद फिर मैं बोट की राइड लूँगी। बीच में ये आपको, ये जो 7 मिनट्स की राइड है जिसके ये 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, ये आपको बीच में जाके रोकते हैं एक जगह पे, वहाँ पे आप पिक्चर्स बना सकते हैं, वहाँ पे आप अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। कराची जा रही हूँ मैं स्पोर्ट में।
बीच में जाके आप बोट राइड ले सकते हैं, जैसे मेसम ले रहा है और इसका फोटो सेशन हो रहा है। और ये देखें खूबसूरत नज़ारे, उफ अनबिलीवेबल। और अब मेरी बारी थी, मेसम को मैंने कहा कि देखो अच्छी अच्छी सी मेरी वीडियो बनाओ और हॉरिजॉन्टल करके बनाओ ताकि मैं यूट्यूब पे डाल सकूं। लेकिन उसने कई जगह बहुत भंड मारे हैं और मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया है गलत पिक्चर्स लेने पर और वीडियो सही नहीं बनाने पर। तो ये देखें मैं और ये खूबसूरत अल्लाह ताला के नज़ारे, इट वॉज सो मच फन। तो बस अगर अभी तक आप लोग अताबात लेक या हंजा नहीं आए हैं तो तैयारी पकड़ें और आ जाएं, देर किस बात की है। बहुत सारे लोग डिटेल्स जानना चाह रहे थे, सो आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट माई स्टे इन द होटल, अबाउट द ट्रिप, कि कितना खर्चा हुआ और कितने का ट्रिप पड़ा। तो अताबात लेक पे ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं एक दो दिन और बहुत अच्छे से अताबात लेक को एंजॉय कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई इतनी दूर से आता है तो वो पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, तो आगे तो लाजमी जाना होता है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर इंजॉय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 डेज का ट्रिप लाजमी बनाए, वरना 5 दिन के अंदर भी आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस कर्दू को माइनस कर दें, अगर इस दो ऐड करना है तो उसके लिए 3-4 दिन आपको एक्स्ट्रा करने होंगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास 10 दिन हैं तो 5 दिन आप गिलगित बल्तिस्तान में स्पेंड करें और बाकी के 5 दिन स्कर्दू में, या तो 15 दिन का ट्रिप बनाएं जिसमें आप गिलगित भी देख लें और साथ साथ स्कर्दू भी अच्छे तरीके से देख लें। मेसम और मेरा तो हंसी मजाक चलता ही रहता था, उससे बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो गई थी, बहुत स्वीट है मेसम और बड़ा अच्छा उसके साथ ट्रिप गुजरा, उसने बड़ा ख्याल रखा मेरा और बहुत अच्छे से घुमाया फिराया। और ये जो लेक है ना, ये तो मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी फुटेज जो है उसको काटा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं बिल्कुल रॉ फुटेज जो है उसको उसी तरह से यूट्यूब पर डाल दूँ, क्योंकि कुछ भी मिस करने वाला नहीं है। अब आप देखें इतनी खूबसूरत जगह, अब इसको क्या कोई एडिट करेगा। खैर इतना लंबा व्लॉग डाला नहीं जाता और लोग जो है उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसी वजह से मैंने व्लॉग को काफी ज्यादा एडिट कर दिया। एक 1200 सीसी है और एक 1800 सीसी है। सही है, 1000 सीसी, 999। कौन सी करनी है? ये 3 सीटर है, 2 सीटर है, सारे सिंगल है। ठीक है, वो अभी जो चल रही है वो 900 ही, 1200 सीसी। सारी फुली मेंटेन्ड है, पक्की बात है। चले जाए भाई, सही इंजन वाली पे बिठाना। 1200 और 1800 में तो बहुत फर्क होता है, 900 और 1200 में इतना नहीं होता, लेकिन 1200 सीसी वाली ही लेंगे। जिसको जेट्स की नहीं चलानी आती तो आप इनके साथ जा सकते हैं, ये आपको जेट्स की राइड जो है वो एंजॉय करवाएंगे। लेकिन मैं पहले सोलो जा रही थी, फिर मैंने कहा यार आप आ जाएं क्योंकि वापसी में ज़रा स्टंट्स वगैरह मारें ताकि मैं भी ज़रा एंजॉय करूं जेट्स की को। खैर जेट्स की पूरा टाइम मैंने खुद ही राइड की और जब हम लोग वापसी में आने लगे तो उन्होंने बड़े स्टंट्स मारे, तो ज़रा थ्रिलिंग हो गया एक्सपीरियंस मेरा। ये मैं जेट्स की इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया जेट्स की चला के इस लेक में, इन नज़ारों में मैं जेट्स की चलाऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि कराची में यूजली यही होता है कि आप क्रीक पे चलाते हैं, वो इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, काला पानी होता है, गंदा ऑयल वाला, गंद वाला। और अताबात लेक जैसी खूबसूरत जगह पर जेट्स की चलाना, ओ माई गॉड, इट वॉज सो मच फन। अच्छा ज्यादा आ गए थे, ज्यादा ही देती हूँ, कम नहीं देती। ये सफ़ी है, आप 10 रुपए ज्यादा दे दिए। देखा जरा।
ये था मेरा अताबाद लेक का एक्सपीरियंस और ये थी एपिसोड 10th मेरे ट्रैवल व्लॉग्स की। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्या जा रहा है आपका। और ट्रिप के हवाले से अगर आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपसे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और मत भूलिएगा कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी। तो खुश रहें और खुशियां बिखेरें।